दरभंगा डीएम ने किया हवाई अड्डे को लेकर बैठक और निरीक्षण। हवाई अड्डे पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हवाई अड्डे को विकसित करने हेतु किए जाने वाले कार्य की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में दरभंगा के रेंज ऑफिसर ने बताया, हवाई अड्डे के बाहर करीब 200 से 250 नील गाय हैं, जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जो स्वीकृत हो गया है। इसके और आवंटन प्राप्त हुआ है, इसे वांछित सामान द्वारा क्रय किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो पूर्ण आवश्यक सामग्री के लिए निविदा कर ली जाए तथा कार्य एजेंसी का चयन किया जाए ताकि जल्द से जल्द कार्य हो सके। दरभंगा में होली शांति पूर्व मनाए जाने के बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने आम जनता एवं सभी पुलिस कर्मियों की उनकी मुस्तैदी से विभिन्न चौक चौराहों पर तैनाती से शांतिपूर्ण माहौल में होली संपन्न होने के बाद धन्यवाद दी है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज मीडिया के समक्ष आते ही कहा कि दरभंगा पुलिस ने काफ़ी सक्रियता के साथ विभिन्न चौक चौराहों पर उपद्रवी तत्वों पर नजर रखा, जिससे होली पर्व शांतिपूर्वक मन सका। इससे नागरिकों को भी बहुत धन्यवाद। पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया है और जिले के तमाम नागरिकों ने भी बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में होली का पर्व मनाया है और शबे बारात भी बहुत शांति से गुजरा है। और आगे रामनवमी का त्यौहार है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आगे भी त्यौहार और पंचायत इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। दरभंगा एसएसपी बाबूराम आज लहरिया सराय थाने के औचक निरीक्षण में पहुंचे। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व जब आईजी एसएसपी कार्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे थे, उस समय लहरिया सराय थाने के कई मामले सामने आए। इसे लेकर दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने लहरिया सराय थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कांडों के अनुसंधान के साथ गुंडा पंजी एवं कई कांडों के अनुसंधान में हो रही विलम्ब को लेकर के थाना प्रभारी एवं डीएसपी के साथ लहरिया सराय थाने पर समीक्षा की। औचक निरीक्षण के लिए यहाँ आए थे। कांडों का निष्पादन होना है, उनमें चार्जशीट कटनी है, सीसीटीएनएस में एंट्री होनी है और कुछ दूसरे कामों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए हैं और लगातार फिर आते रहेंगे यहाँ पर बीच बीच में। जाली के दिवंगत राजस्व कर्मचारी इंद्रमोहन चौधरी के प्रति व्यक्त की गई शोक संवेदना। दरभंगा जिले के जाले अंचल के दिवंगत राजस्व कर्मचारी स्वर्गीय इंद्रमोहन चौधरी के असामयिक मृत्यु 27 मार्च को 11:30 बजे हो गई, जिसके कारण दरभंगा समाहरणालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी मर्माहत थे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बुधवार को 5:00 बजे अपहरण में समाहरणालय परिसर के बरामदे पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं जीडीसी की अध्यक्षता में शोक संवेदना व्यक्त की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल के सभागार में राधे श्याम शाह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के सेवानिवृत्त तिथि को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के सचिव ने कहा कि आयुक्त महोदय का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जो छाप छोड़ी है वो आने वाले दिनों में याद रहेगा। उनके द्वारा सभी कर्मियों के साथ सदैव परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार किया जाता रहा है। जिनको भी वित्तीय लाभ दे लंबित था उन पर लाभ और होम के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन बहुत था, जिससे आयुक्त महोदय ने पूरा किया है। उन्होंने अंत आम लोगों की समस्या का निराकरण संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से उन्होंने किया है। आज उनके सेवानिवृत्त पर भावभीनी विदाई दी गई। दरभंगा में जहां एक तरफ कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है, वह दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में अब एक भी मरीज भर्ती नहीं है। 2 दिन पूर्व 2 गंभीर मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई। दरभंगा जिला प्रशासन के अनुसार अभी दरभंगा डीएमसीएच में 14 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जांच की गति तेज कर दी गई है, ऐसा दरभंगा डीएम के निर्देश पर हुआ। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर मास चेकिंग अभियान जोरों पर है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सक्रियता के साथ मास चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें प्रत्येक दिन करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों को लहरिया सराय टावर पर मास चेकिंग अभियान में चलान काटते देखा गया। गौरतलब है कि दरभंगा और लहरिया सराय मिलाकर कुल 54 से अधिक लोगों के मास्क के लिए जुर्माना वसूले गए।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन के आवश्यक निर्देश के बावजूद भी दरभंगा में बिना मास्क पहने लोगों को घूमते देखा जा रहा है, जो कि आने वाले समय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का एक खतरा बताया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन मुस्तैदी से मास्क चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत दरभंगा के लहरियासराय टावर एवं मिर्जापुर सहित कई थाना क्षेत्रों में गहन जांच अभियान कर मास्क चेकिंग के लिए जुर्माना वसूले जा रहे हैं।